दोनों चेकनट के बीच में हमारा ओरिंग होता है और चेकनट के ऊपर वॉशर लॉक होता है। अब नेक्स्ट हम लोग को बॉल रेसिंग में अच्छे से ग्रेसिंग करना है। टोटल चार नट हम लोग 6 mm से खोलेंगे। इन चारों को बस लूज कर लेना है, पूरा खोलना नहीं है। ये जो कर्व वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा। सत्रह नंबर के रिंग रिंच से स्टेयरिंग के नट को खोलना है। नट के ऊपर से रिंच को थोड़ा सा दबा के खोलना है, नहीं तो रिंच स्लिप हो जाएगा और रिंच और नट दोनों ही खराब हो जाएगा। 6 mm एलन के से हैंडल के आगे साइड का नीचे वाला दोनों नट को लूज कर लेना है। अब दूसरे साइड वाला भी हम लोग लूज कर लेंगे। ये वाला 6 mm से खोल रहा है। टोटल चार नट हम लोग 6 mm से खोलेंगे। इन चारों को बस लूज कर लेना है, पूरा खोलना नहीं है। अब स्टेयरिंग का प्लेट को हम लोग निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से। कॉर्नर में एम करके उसको पूरा ऊपर तक करना। एजेस से ऊपर करना। अभी डॉग प्लास से हम लोग चेकनट को खोल रहे हैं। इसमें हमारा दो चेकनट होता है, दोनों चेकनट के बीच में हमारा ओरिंग होता है और चेकनट के ऊपर वॉशर लॉक होता है। तो इन सब को हम लोग खोल लेंगे। ये हमारा दूसरा वाला चेकनट है। बॉल रेसर का ये कवर को निकालना है। नेक्स्ट पूरा ग्रीस सूख गया है। अब हम लोग को बॉल रेसर को निकालना है। अब सारे पार्ट्स को हम लोग को डीजल से धोना है। मेरे पास डीजल था नहीं इसलिए हम पेट्रोल से धो रहे हैं। अब पार्ट्स क्लीनर से भी धो सकते हो। और जो ओरिंग है उसको आपको WD-40 से धोना है, उसको डीजल या पेट्रोल से नहीं धोना है, नहीं तो फुल भी सकते हैं। इसके बाद सारे पार्ट्स को पानी से धो लेना है और एक साफ कपड़े से पोंछ लेना है। अब जिस पे हमारा बॉल रेसर लगता है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये जो कर्व वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग को बॉल रेसिंग में अच्छे से ग्रीसिंग करना है। अब बॉल रेसिंग के प्लेट में ग्रीस लगाना है और ये जो उठा वाला पोर्शन है वो नीचे की साइड रहेगा और फ्लैट वाला ऊपर की तरफ। फिर इसके कवर को लगाना है एंड नीचे से जो बेयरिंग है और जो बेयरिंग का प्लेट है उसको साफ कर लेना है। इसके बाद बियरिंग और बियरिंग के प्लेट्स में ग्रीसिंग कर लेंगे।
ग्रीसिंग के बाद हैंडल के टी को ऊपर लेकर के आना सेंटर में, एंड देन ऊपर के बियरिंग के प्लेट को एडजस्ट करना। एंड कवर को लगाना। इसके बाद हम लोग चेकनट को लगाएंगे। ये हमारा चेकनट है, दो चेकनट है इसमें। पहला वाला चेकनट को लगा लेंगे। चेकनट को पहले हाथ से टाइट कर लेना है, जितना टाइट होता है। एंड देन इसको फिर डॉक प्लास से हम लोग टाइट कर लेंगे। इसको एकदम ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, इसको अंदाज से टाइट करना रहता है। एंड इसके बाद हम लोग ओरिंग चेंज करेंगे। हम दो ओरिंग लेकर के आए थे क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं, इसलिए दो ले लिए। अभी इसमें से एक लगा लेना है। चेकनट को टाइट करने के बाद इसमें ओरिंग लगाना है। ओरिंग को लगाने के बाद दूसरा वाला चेकनट को टाइट करना है। इसको भी हाथ से जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर लेना है। दोनों चेकनट को एक लेवल पे मिला लेना है। ये जो गैप है ये लॉक के जाने के लिए होना चाहिए। एंड देन वॉशर लॉक को लगा लेना है। वॉशर लॉक लगाने के बाद हम लोग हैंडल को कॉन्सेट में लगा लेंगे। उसके बाद नट लगा करके स्टीयरिंग को टाइट कर लेंगे। स्टीयरिंग को रिंग रिंग से टाइट करना 17 नंबर के। इसको सेम हाथ से दबा करके पूरा टाइट करना है मैक्सिमम तक, नहीं तो स्लिप करेगा एंड नट खराब करेगा। उसके बाद चारों 6 mm का एलन स्क्रूज जो है उसको मैक्सिमम टाइट करना है। सारा स्क्रूज टाइट होने के बाद हम लोग को 10 दिन के बाद फिर से स्टीयरिंग को टाइट करना है क्योंकि ये लूज़ हो जाता है बीच में। एंड इसका ग्रेसिंग इंटरवल टाइम है 10,000 से 12,000 किलोमीटर के बीच में आपको ग्रेस करना है स्टीयरिंग को।